जस्ट इंटर्नशिप थिंग्स, चाय सर करते हुए डॉक्टर निकेतन हटवार। सो दिस इज द विटामिन ए पीडियाट्रिक ओरल सॉल्यूशन। ये आज हमारे कृतार्थ भाई साहब ने लाए हमारे लिए चने पूरे घर से स्पेशल। गाइज यू आर वाचिंग डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, आई एम डॉक्टर ऋषि एंड वेलकम टू द 12th व्लॉग। सो ARV पोस्टिंग्स के बाद अभी मैं पोस्टेड हूँ SAMC में, विच स्टैंड्स फॉर सेक्स एंड मैरिज काउंसलिंग पोस्टिंग्स। बट जैसा कि नाम जाता है वैसा हमारा यहाँ पे काम नहीं है कि काउंसिल करो, हमारे यहाँ पे ये काम है कि जो भी बच्चे आते हैं अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, उनका विटामिन ए सप्लीमेंटेशन करना है, उनका हाइट एंड वेट मेजरमेंट करना है एंड उनकी ग्रोथ चार्टिंग करनी है कि वो एक्चुअली अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं। सो अभी इस व्लॉग के अंदर देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द SAMC व्लॉग। सो दिस इज द विटामिन ए पीडियाट्रिक ओरल सॉल्यूशन। ये हम देते हैं फर्स्ट एट 9 मंथ्स ऑफ एज और ये है स्पून, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं बट इसके अंदर एक लाइनिंग है। जहाँ तक अपन ने लिए सॉल्यूशन तो वो 1 ml या 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है एंड अगर पूरा स्पून भर के लिए तो उसमें हम 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स है 2 ml। सो उसका अभी आगे का डोजेस मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बोला कि 9 मंथ्स पे हम 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट जो कि 1 ml देते हैं विटामिन ए का सिरप, अगर 16 to 24 मंथ्स के आसपास आता है या 1.5 साल तो उसमें हम 2 lakh स्टार्ट कर देते हैं 2 ml देना, साथ में टैबलेट अल्बेंडाजोल 200 mg देते हैं। देन उसके बाद 2 साल के बाद हर 6 महीने में अप टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स वी गिव विटामिन ए 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स या 2 ml। तो 5 साल तक ये रेजिमेंट रहता है ये विटामिन ए का। ऑब्वियसली अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हो गई है तो उसमें हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थैल्मिया, वाइट आउट स्पॉट्स ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्नियल स्कारिंग। तो उसको सबको प्रिवेंट करने के लिए हम ये विटामिन ए सॉल्यूशन जो है पीडियाट्रिक सॉल्यूशन वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आज हमारे कृतार्थ भाई साहब ने लाए हमारे लिए चने पूरे घर से स्पेशल। थैंक यू कृतार्थ। अभी रोमन बताएगा चने पूरी का रिव्यू। बहुत अच्छी चना पूरी थी, बहुत दिनों बाद खाने को मिली, एकदम घर की याद आ गई, घर की याद आ गई। तो कृतार्थ हमारे लिए रोज लाते जाए ऐसा कुछ, ठीक है? देखूंगा, देखूंगा नहीं लाना ही। बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू गाइस। तो मेरे बाल थोड़े से अलग लग रहे होंगे फिलहाल क्योंकि मैंने आज भीगते भीगते आए हो तो ऐसे नीचे कर लिए, बट छोले पूरी खाने के बाद अभी थोड़े से और प्रोटीन की ज़रूरत है तो वे प्रोटीन जिंदाबाद। तो एक्चुअली ये हमारा एक साइड रूम है जहाँ पे हम अपनी बैग्स वगैरह रखते हैं और वो जो सामने है वो मेरे को इंटर्न्स बैठे काम करते हुए, तो लेट्स गेट बैक टू वर्क देन। Waiting for 1K followers on Instagram. 1K followers cake, तुम कल लो cake लेके आओ मेरे लिए। जल्दी, अरे दिलाओ दिलाओ दिलाओ। असली है ये लोंडा। जल्दी हो जा। अरे क्या क्या कर रहे हो? यार फॉलो मत कर। बस होने वाले अभी बस 1K। डॉक्टर कृतार्थ हो गया, कांग्रेचुलेशंस। कल सब लोग केक लेके आओ मेरे लिए 1K के। इस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? बस वड़ा पाव पार्टी में लिए आज, पता नहीं बहुत अच्छा दिन जा रहा है हमारा। कैसा लगा वड़ा पाव? बहुत बढ़िया। तो ये है एक इन्फेंटोमीटर, इसमें हम चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 2 उनकी लेंथ मेजर करते हैं। यहाँ पे हम हेड एंड रखते हैं, यहाँ पे हम फुट एंड रखते हैं एंड देन यहाँ पे इसको स्लाइड करके देखते हैं कि कितनी लेंथ आ रही है। यहाँ पे ये स्केल है इसके हिसाब से। सो ये हो गया वेट का मेजरमेंट, ये हो गया लेंथ या हाइट का मेजरमेंट। देखो इंटर्नशिप होती है इसके लिए कि ये सब काम भी तुम सीख सको, इसमें भी तुम एक्सपर्ट बन सको। चलो फिर ये लेके चलते हैं। चलो लेट मी रिकॉर्ड द रिएक्शंस ऑफ को इंटर्न्स। यस, प्राउड ऑफ यू। क्या वापस बोल? प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ये लो जस्ट इंटर्नशिप थिंग्स, चाय सर्व करते हुए डॉक्टर निकेतन हटवार। अरे बोल भाई बोल। तो अभी हमने शिवम गांजरे के फोन में स्नैपचैट इंस्टॉल किया है मेरे वजह से। रोमन जी
और ऋषि जी, इन सब लोगों ने स्नैपचैट इंस्टॉल किया. अभी हम स्नैपचैट पे भी हमारा एक ग्रुप बनाने वाला है, तो लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जिसको भी स्नैपचैट ट्यूटोरियल्स चाहिए प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर प्रसाद घाटोड़े. सो दिस इज हाउ वी चार्ट द ग्रोथ ऑफ बेबीज और चिल्ड्रंस. तो यहाँ पे रहता है ये वेट बाय एज का है, यानी रहता है वेट बाय लेंथ. तो ये जो ग्रीन जोन है, अगर इसमें अगर आ रहा है तो वो सही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है. अगर रेड जोन में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा डेफिशिएंसीज है या ग्रोथ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमें इससे पता चल जाता है. जैसे डॉक्टर निकेतन, जिन्होंने अभी नया नया आईफोन 13 लिया है मस्त सेल में, बता. ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल में लिया है, नसीब से मिला 49 आईफोन 13 और प्यार हो गया. इसके पहले एंड्रॉइड यूज़ कर रहा था ना, तो क्या डिफरेंस क्या पता चला? बहुत डिफरेंस है, मज़ा आ गया, इतना स्मूथ चल रहा है, प्यार हो जाएगा, एक बार टच करो बस. दिस इज डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यस, थैंक यू. लास्ट डे ऑफ हमारी SAMC पोस्टिंग की पार्टी मिल रही है हमको वापस से अच्छे से. हे गाइस, मैं अभी रूम पे आ गया हूँ एंड अभी हमारी बहुत चिल पोस्टिंग शुरू है, जैसे आपको ब्लॉग्स में दिख रहा होगा. बट हमारे इंटर्नशिप स्केड्यूल के हिसाब से हमारा एक सैंडविच टाइप का बन गया है. जैसे हमारी स्टार्टिंग में कुछ पीरियड बहुत ज़्यादा हेक्टिक पोस्टिंग्स लगी थी, एंड अभी जो विंटर पीरियड है वो थोड़ी सी चिल पोस्टिंग से भरा हुआ है. एंड हमारी अगला महायुद्ध स्टार्ट होगा फ्रॉम जनवरी 2023, जब आएगी हमारी ऑब्स गायनी पोस्टिंग्स, पीडियाट्रिक पोस्टिंग, ऑर्थो पोस्टिंग्स. ये बहुत हेक्टिक पोस्टिंग्स रहती है, वो मेरी है अगले साल पोस्टिंग्स. बट इंटर्नशिप जो एक साल की रहती है हमारी, उसका ये फायदा होता है कि आप हर एक डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहते हो, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको नीट PG के लिए कौन सी ब्रांच को ऑप्ट करना है, कौन सी स्पेशलिटी ब्रांच लेनी है. अभी मेरे हिसाब से जितनी पोस्टिंग्स हुई है मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट एक चीज जो मैंने रूल आउट कर चुका हूँ मैं, कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक सर्जरी एज अ ब्रांच इन PG. आई एम नॉट अ सर्जरी गाय, ये मुझे पता चल गया है. सो देखते हैं अभी कि आगे की इंटर्नशिप में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, एंड उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा या मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी ब्रांच के लिए पढ़ाई करनी है टू सिक्योर दैट सीट इन दैट कॉलेज. सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मिलता हूँ आपसे सीधे जिम के अंदर अभी, टिल देन बाय. सो इट्स माय चेस्ट डे टू डे एंड आई एम स्टार्टिंग अप विद बेंच प्रेस. तो आज का मेरा एम है कि मैं एक रैप लगाऊँ 100 kg बेंच प्रेस का. तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में लगाया था 190 kg डेडलिफ्ट, तो अगले ब्लॉग के अंदर हम लगाएंगे 140 kg स्क्वाट. तो ये तीन जो कंपाउंड मूवमेंट्स है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट एंड बेंच प्रेस, ये मैं हाईली प्रायोरिटाइज करता हूँ अपने वर्कआउट के अंदर. एंड इन केस अगर मैं चेस्ट लगा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले बेंच प्रेस करूँगा, इन केस अगर मैं बैक लगा रहा हूँ तो सबसे पहले डेडलिफ्ट करूँगा, एंड इन केस आई एम हिटिंग द लेग्स तो मैं स्टार्ट करूँगा स्क्वाट से ही. तो ये कंपाउंड मूवमेंट जो है ये बहुत बेनिफिशियल रहता है आपके मसल ग्रोथ के लिए एज वेल एज स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी. हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हैवी एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो एक स्पॉटर हमारे पीछे होना चाहिए जो हमें स्पॉट करते रहे, ताकि हमारी इंजुरी प्रिवेंट हो सके. अगर मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ तो उसके पीछे भी मेरा स्पॉटर होना चाहिए, सेफ्टी बार्स ऑन होने चाहिए. एंड इनकेस अगर मैं बेंच लगा रहा हूँ तो मैं स्पॉटर ऑन रखूंगा. डेडलिफ्ट में स्पॉटर की ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपके ऊपर है पूरा कि आप कैसे करते हो. तो चलते हैं सबसे पहले बेंच प्रेस लगाते हैं. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. मैंने सेल्फ किया एंड दो सपोर्ट के साथ किया. तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहले ट्राई नहीं किया था, पहले मैंने 100 kg एक रैप ट्राई किया है सक्सेसफुली, आज भी वो हुआ. बट सेकेंड एंड थर्ड रैप में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है धीरे धीरे. वही एम है मेरा कि 3 रैप कम से कम मैं 100 kg के सेल्फ लगा सकूँ. तो अगले कुछ महीनों में मैं ट्राई करूँगा कि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके अच्छे से. जो भी बिगिनर्स हैं, जो नया नया जिम स्टार्ट करते हैं, उनके मन में एक कांस्टेंट सवाल रहता है कि मेरी बॉडी कब तक बन जाएगी, है ना, 3 महीने में बनेगी, 6 महीने में, 1 साल में. तो मैं ये बोलना चाहूँगा इतना कि हमें एफ़र्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर. हर किसी की बॉडी एक वर्कआउट के स्टिमुलस को अलग तरह से परसीव करती है एंड उसको रिस्पॉन्ड करती है ना. देखो, 3 टाइप के बॉडी टाइप्स रहते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ. तो इसमें डिफरेंट रहता है किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करे. तो हमें बस इतना करना है कि हम एफ़र्ट्स लगाएं अपने अच्छे से,
रिजल्ट्स की चिंता ना करते हुए, क्योंकि अगर हम सोच के चले कि यार उसकी बॉडी बन गई थी 3 महीने में 6 महीने में और अगर तुम्हारी बॉडी वो सेम रिजल्ट नहीं दिखा पाई उतने ही टाइम पीरियड में, तो ऑब्वियसली डीमोटिवेशन होता है। तो एट दी एंड ऐसा होता है कि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन हमारा डीमोटिवेशन बनती है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें वो नहीं चाहिए लाइफ में। तो हमेशा एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, उससे कभी ना कभी रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। मैं कभी नहीं सोचता, चाहे वो पढ़ाई की चीज़ हो चाहे वो जिम की चीज़ हो, कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसमें एफर्ट्स लगाता हूँ, बट उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, मुझे कौन सा फल मिलेगा, कब मिलेगा, ये मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। हमारा काम है एफर्ट्स लगाना, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है बस। पर इतना याद रखना कि अगर तुम सही पाथ पे हो, सही एफर्ट्स लगा रहे हो एंड अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स। सो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग। ये सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उस पे सांप बिच्छू केकड़ा मधुमक्खी जो भी पकड़ने का अपने हाथ में गूदा रखते हो ना उसे फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए अब।